कैसे आप एक गट का प्रयोग करके, गट यानी कि साबुत नारियल जो मिलता है उसका प्रयोग करके कैसे आप किसी स्त्री पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं, कैसे आप उसके दिल दिमाग में अपना घर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैं बहुत ही प्रचंड व महाशक्तिशाली टोटका जिसका कोई भी तोड़ नहीं। इस उपाय को, इसे गट वशीकरण विद्या कहते हैं और इसका उन स्त्री पुरुष पर प्रयोग किया जाता है जो जिन पे कोई टोटका असर नहीं करता, जो काफ़ी जिद्देल और अड़ियल किस्म के इंसान होते हैं, जो इतने अड़ियल होते हैं कि आप उनके लिए लाख प्यार करो लेकिन वो आपके की एक राय पर पानी फेंक देते हैं। उन लोगों को लेकर कदमों में आएंगे, आपके आपकी हर बात को अपने सर मत्थे पर रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे चलकर हम आपको टोटके में मंत्र बता पाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए सीधा विधि की ओर बढ़ते हैं। इस कार्य को शनिवार रात्रि में करना, आप 9 बजे के बाद कभी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इस कार्य को करने के बाद आपको सीधा सोना है और कुछ नहीं करना। आपको साबुत गट के बारे में तो पता ही होगा, सूखा नारियल होता है, इस तरीके ये साबुत ही होता है। वो टुकड़ा पहले से मैंने काट लिया दीपक बनाने के लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको काट लेना और इसके अंदर पीली सरसों एक मुट्ठी डाल लेनी है, पीली सरसों अपने दाएं हाथ की एक मुट्ठी। इसके ऊपर चाहे वह स्त्री है या पुरुष है उसके बारे में विचार करते हुए उसकी तस्वीर बनानी है, फिर उसका नाम लिखना है, फिर प्लस में अपना नाम लिखना है, फिर उसकी उम्र लिखनी है, प्लस में अपनी उम्र लिखनी है। फिर इस पे मुख्य जो है वही इस मंत्र का, ओम क्रीम क्रीमे वश्य नमे, ओम क्री क्रीमे वश्य नमे, इस मंत्र का लिखना भी है और 21 बार जाप भी करना है। यह जो नीचे रखे गए सामग्री है यह है गेहूं का आटा, गेहूं का कनक का आटा, इसके अंदर ही इसे इसी तरीके से ठहराना है, ठहरा देना है। ठहरा देने के बाद इस जलती हुई दीपक को इसके ऊपर रखें। अब इसके निकालें 21 चक्र और 21 चक्र इतने धीरे निकालने कि मंत्र का एक परिक्रमा में एक बार मंत्र संपूर्ण होना चाहिए। इस बात का खास कर ओम क्री क्रीमे वश्य नमे, एक परिक्रमा पूरी हो जानी चाहिए। 21 परिक्रमा करनी, 21 बार मंत्र का जाप करना। उसके बाद इस दीपक को याद रहे कि यह गट का टुकड़ा जले नहीं, इस बात का खास ख्याल रखना। इस तरीके से 3 दिन करना है, 3 दिन आपको, जैसे ही आपका मंत्र समाप्त हो जाता है तो आप इस लोह को आराम से उठाकर किसी अन्य दीपक में डाल सकते हैं। बस इतना सा करना, फूंक मार के बुझाना नहीं है। 3 रात्रि आप करें, 3 रात्रि 21 बार मंत्र जाप करें, वह इंसान देखिए कैसे आता है। जैसे 3 रात्रि गुजर जाती है, 4th दिन आप जाकर इसे किसी सुनसान जगह में सारी की सारी सामग्री को काट दें। किसी प्रकार की सामग्री अपने पास न रखें, चाहे ये लोहे का चाकू जो भी प्रयोग करेंगे इसे काटने के लिए, उसे भी आपको त्याग देना है, उस स्केच को भी त्याग देना है जिसे आपको शाही से जिसे कार्य किया, जो बची हुई सरसों उसको भी जाकर सुनसान जगह में डालना, माचिस तक को भी। इतना खास ख्याल रखें, कोई भी सामग्री अपने पास न रखें। मुझे छोटा सा प्रयोग, इसका चमत्कार आपके सामने होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सब नंबर दिया है। इसी साथ आपसे जय जो धन्यवाद।